हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ आम का अचार। आम का अचार बनाने का बहुत ही सरल और आसान तरीका हम बताएंगे आज। और ये आम का अचार आप 5 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। आम का अचार बनाने का पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि आम कैसे काटते हैं, कैसे सुखाते हैं और मसाला कैसे बनाते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल पूरा कंप्लीट है, तो आप एंड तक देखें। और ये जो अचार है आपको गांव एक वाला स्टाइल में मिलेगा और ये 5 साल के लिए खराब नहीं होगा। तो बहुत से हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स थे जो बोले हैं कि आम का अचार आप बनाइए अपने स्टाइल में, तो मैं उन्हीं के फरमाइश पे लेके आई हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को आप रोजाना खाना भोजपुरी में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अगर भोजपुरी क्या शौकीन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आम का अचार बनाना। रोजाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोजाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए रोजाना खाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको मिलते रहे हमारे डिशेस और रेसिपीज की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस। धन्यवाद। तो ये देखिए, हम सबसे पहले कच्चा आम लाएंगे बाजार से, बिल्कुल अच्छा वाला क्वालिटी का, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, जब ही जाके आम का अचार 5 साल तक स्टोर कर सकते हैं आप। तो देखिए, आम को आप लेते समय चेक करके जब ही लें और बड़ा बड़ा साइज का आम लें। तो इस तरीके का मैं छांट के लाई हूँ बाजार से आम, और बिल्कुल फ्रेश आम है, कोई दाग धब्बा नहीं है। तो अब आती है बारी कि इसे काटे हम किस चीज से। तो देखिए, इस तरीके का आता है फसुल नाम का, या इसे आप हसुआ भी बोल सकते हैं। तो इसे हम कैसे काटेंगे कि बिल्कुल सही तरीका से रहे। तो देखिए, जो आपको ये निशान दिख रहा है चोप वाला निशान, उसे हम गोल तरीके से इस तरीके से काटेंगे। इसका जो अंदर होता है एक रसायन पदार्थ होता है, और उसे हमें अच्छा से काट के निकाल देना होता है। देखिए इस तरीके से, तो आप थोड़ा सा गहरा करके काट लें, और इस तरीके से आपका आम सारा काट काट के रेडी करना है। और एक एक पॉइंट है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से लेके हमें आगे तक काटना है, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, यहीं से हमें ले जाके और सीधाई में आम को काटना है। तो आम का अचार काटने का सही तरीका यही है दोस्तों। तो देखिए, हम काट लिए हैं, और ये पॉइंट पे जहां से है आम का, वहीं से हम इसे काटेंगे। तो ध्यान में आप देखिएगा इस वीडियो को, किस तरीके से हम आम का अचार के लिए काट रहे हैं आम को। तो ये है बिल्कुल काटने का सही तरीका, और आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल पॉइंट पे ही लाके रोकी हूँ, और इसे हमें ऐसे ही काट लेना है। आम को अगर आप दूसरे तरीके से काटेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया कटा है, दो भागों में कट गया है। तो आम काटते वक्त आप सावधानी बरतें, और बहुत ही सावधानी से काटना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड होता है आम। तो देखिए, हम बीच से भी एक कट लगाएंगे, तो इसे हम बिल्कुल सावधानी पूर्वक कट लगा लेते हैं। आप चाहें तो बाजार से भी आम को कटवा के ला सकते हैं घर पे, और इस तरीके से आप घर पे भी काट सकते हैं। तो देखिए, हम दोनों में कट लगा ले रहे हैं, और ये आम का अचार आप अपने चॉइस के अनुसार रख सकते हैं, पीसेस जो कि बड़ा छोटा, मैं 3 तरह का आपको दिखाऊंगी इसमें कि आप कैसा कैसा रख सकते हैं। तो देखिए, इस गुठली को हमें निकाल लेना है, और निकालने के बाद में रखना है। तो सारा हम गुठली साइड कर लेते हैं। तो देखिए, ये तो 4 भागों में बट गया है। तो गांव में तो इस तरीके से भी इसके ऊपर मसाला चिपका के बनाया जाता है, तो वो भी अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप चाहें तो, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे आपके घर में हैं, तो इस तरीके से बीच से एक और कट लगा के, और इसका आप पीस बना सकते हैं छोटा छोटा, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए, इतना छोटा भी बना सकते हैं पीस आप, और बड़ा भी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो अगर छोटे बच्चों को देना है, लंच में देना है, या कहीं आपको लेके जाना है, तो छोटा पीस बना सकते हैं, वरना आप बड़ा पीस भी बना सकते हैं। जैसे कि ये काम में 2 भाग हम कर दिए, तो उसका बड़ा पीस बनेगा। तो ये तो हो गया छोटा वाला, एक बनता है ये साबुत वाला, और एक मैं आपको ये दिखाती हूँ, इस तरीके से भी 2 भाग करके, और आप बड़ा बड़ा पीस में भी बना सकते हैं आम का अचार। तो ये तीनों डिजाइन से आप बना सकते हैं। देखिए, इस तरह का भी जिसमें मसाला भर के बनता है,
और आम काटने के बाद में हमें तुरंत पानी में इसे डालते जाना है। इसे हमें रखना नहीं है किसी टोकरी वगैरह में, अब फटाफट काट के और इसे पानी में डालते जाएं। तो सारा आम को हम इसी तरीके से काटेंगे और ये आम का काटने का बिल्कुल सही तरीका है और इससे आपका अचार जो है बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो देखिए आम के अंदर एक कसैला पदार्थ होता है जो कि आपको नजर आ रहा होगा पानी में, देखिए। तो इसे हमें धो लेना है और इस गुठली को भी आप फेंके ना, इसका बहुत ही अच्छा रेसिपी बनता है और बहुत जल्द मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनता है। तो देखिए हम इसे रख लेते हैं साइड में और आम को हम बढ़िया से हाथों से हिलाते हुए धो कर निकाल लेंगे। आम को हम दो पानी धोएंगे बढ़िया से और आप देख सकते हैं जो इसमें कसैला एक पदार्थ था आम में वो निकल रहा है और आपको नजर आ रहा होगा पानी जो है कितना गंदा नजर आ रहा है। तो इसे निकालना बहुत जरूरी है, इससे आम का अचार बहुत दिन तक अच्छा रहता है। तो देखिए सारा कसैला निकल गया है, एक बार मैं और धो लेती हूँ और इस पानी को फेंक दे। तो देखिए हम दो पानी धो के रेडी कर लिए, आम को बिल्कुल फ्रेश हो गया है। अब आती है बारी कि आम को या तो अच्छे से आप कपड़े से पोंछ लें कॉटन कपड़ा से, या इसे 10 से 15 मिनट के लिए धूप में सुखा दें कि इसका पानी बिल्कुल खत्म हो जाए, पानी ना रहे। एक हमें स्वच्छ गमला यानी कि बड़ा बर्तन चाहिए, बाउल, उस बाउल में हम डाल लेंगे आम को। ये पहला प्रोसेस है आम काटने से लेके आम को कैसे अचार बनाते हैं। तो देखिए आम में हम डाले हैं 2 बड़े चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नमक, ये 2 केजी आम के लिए है। 2 केजी आम हम काटे हैं उसके हिसाब से आपको मसाले बता रहे हैं। तो देखिए इसमें हमें कुछ नहीं डालना है, नमक और हल्दी डाल के इसे टॉस कर लेना है या इस तरह से आप इसे चमचे से चला लें और इसे नमक और हल्दी में हम 12 घंटा रेस्ट पे छोड़ देंगे, किसी कॉटन कपड़ा से ढक देंगे और जिस भी बाउल में हम रखे हैं उसी में छोड़ देंगे। तो इस आम को आप रखते टाइम हमेशा से स्टील का बाउल ही इस्तेमाल करें, अल्मीनियम का ना इस्तेमाल करें। अल्मीनियम का इस्तेमाल करते हैं तो वो कासा हो जाएगा यानी कि खराब हो जाएगा आपका बर्तन। अब आती है मसाले की बारी, तो मसाला देखिए इसमें क्या क्या लगेगा। सबसे पहले हम लेंगे 50 ग्राम ये सरसों है और 2 बड़े चम्मच धनिया है, साबुत धनिया, और लाल मिर्च पाउडर है 2 बड़े चम्मच, और यहाँ पे जीरा है 1 बड़े चम्मच, और सौंफ है 1 बड़ा चम्मच, और ये काला मंगरेल, इसे काला जीरा भी बोलते हैं, 1 चम्मच है, और ये हल्दी, हल्दी पाउडर 1 बड़ा चम्मच है, और ये अजवाइन है 2 छोटे चम्मच या 1 बड़ा चम्मच आप ले लें, थोड़ा कम ज्यादा भी डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेथी दाना है 1 बड़ा चम्मच, और यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक लेंगे, और हमें चाहिए सरसों का तेल, बिल्कुल कच्ची घानी का होना चाहिए सरसों का तेल। तो देखिए हम सरसों का तेल भी ले लिए हैं। अब आती है मसालों को रोस्ट करने का, माने कि मसाला हम भूनेंगे उसके बाद ही आम का अचार में डालेंगे। तो मेथी और धनिया और ये जीरा है और ये सौंफ है, थोड़ा सा सौंफ हम बचा लेंगे, और ये काला जीरा है। अब इन सबको हमें अच्छा से भूनना है, लो मीडियम फ्लेम पे भूनना है चलाते हुए, और एक अच्छी सी खुशबू आ जाए हल्का सा तो हम बंद कर लेंगे। ध्यान रखें कि इसे जलना नहीं चाहिए, जो मसाला हम रोस्ट कर रहे हैं उसे जलना नहीं है, और नहीं तो आपका जो अचार में टेस्ट खराब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा भून चुका है हमारा मसाला, प्लेट में हम रख लेते हैं। अब प्लेट में हम रखने से पहले आपको बताते हैं कि इसे हम ग्राइंड कर लिए हैं सरसों को बिल्कुल दरदरा, जो सरसों हम लिए थे उसे दरदरा ग्राइंड कर लिए हैं, और यही पे जो हम मसाला सबको भूने हैं उसको ठंडा करने के बाद में हम दरदरा पीस लिए हैं, अजवाइन भी डाल ले रहे हैं हम, और यहीं पे हल्दी पाउडर भी डाल लेंगे, और यहाँ पे लाल मिर्च भी हम ऐड कर देते हैं, और स्वाद अनुसार नमक, ध्यान में रखते हुए कि पहले भी हम नमक आम में डाल रखे हैं, और ये काला जीरा डाल लेंगे ऊपर से, और थोड़ा सा सौंफ साबुत डाल लेंगे,
और ये आम सूखने के बाद में, यानी कि 12 घंटा रेस्ट के बाद में इस तरह से पानी छोड़ देगा ये अपने आप। आप अगर धूप में रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप किचन स्लेट पे भी इसे रखते हैं तो भी ऐसा पानी छोड़ के वो हो जाएगा आम। तो देखिए अब हम इसमें मसाले डालने की बारी आती है, तो ये पानी को फेंकना नहीं है हमें, ध्यान में रखते हुए आप देखिएगा वीडियो को, और सारा मसाला जो हम मिक्स किए हैं प्लेट में डाल लेंगे आम में। आम में डालने के बाद में हम यहाँ पे सरसों का तेल डालेंगे, सरसों का तेल थोड़ा से ही डाल के अच्छा से हम मिक्स कर देंगे। तो देखिए थोड़ा सा तेल डालने के बाद भी इसे आप बना के खा सकते हैं, जिसमें आप कम तेल डालिएगा वो कम दिनों तक चलेगा, यानी कि इसे कम तेल का अचार कह सकते हैं आप, और इसे आप धूप में सुखा के और खा सकते हैं। तो देखिए हम एक दिन धूप में सुखाए हैं और ये कुछ इस तरह से हो गया है। एक दिन धूप में सुखाने के बाद में आप चाहे तो इसे खा सकते हैं, जिस दिन से बना रहे हैं उसी दिन से आप आम का अचार खा सकते हैं। इसमें कोई कसैलापन नहीं आएगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा आपको। तो मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तो ये अचार का खासियत ये है कि इसमें हम सारे मसाले भून के डाले हैं, तो बिल्कुल कसैला नहीं लगेगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में। तो आप इसे पूरी पराठा के साथ ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, आज बनाएं और 2 दिन के बाद में सर्व करें। तो देखिए हमें करना है इसे 5 साल के लिए स्टोर या 3 साल के लिए स्टोर, जितना भी दिन के लिए आपको स्टोर करना है तो उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं। ये तो हो गया कि आप तुरंत भी खा सकते हैं और 1 साल तक स्टोर भी रख सकते हैं बिना तेल डाले। जरा सा ही हम तेल डाले थे, यानी कि 100 ग्राम तेल हमारा डला है पहले का और 1 दिन सुखा लिए हैं। अब आती है 5 साल स्टोर करने की बारी। तो सबसे पहले हम एक जार लेंगे कांच का, या तो आप प्लास्टिक का जार भी ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का जार में जो अचार है वो सही नहीं रहता है। तो कोशिश करें कि आपको अगर 1-2 साल स्टोर करना है तो प्लास्टिक का जार लें, और 5 साल के लिए स्टोर करना है तो कांच का जार लें। तो ये 5 साल के लिए ये परफेक्ट नहीं है प्लास्टिक का जार, तो इसे यूज ना करें। तो हम आते हैं कांच पे, तो कांच में ही हम 5 साल के लिए स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले तो जब भी हम कांच का कोई भी लेंगे बर्तन, उसको अच्छे से हम पानी बॉयल करके अच्छा से धो के और बर्नी को अच्छा से साफ कर लेंगे बिल्कुल स्वच्छ पानी से। उसके बाद हम कांच का बोतल लेंगे, उसी तरीके से हमें प्लास्टिक का बोतल को भी करना है। अगर प्लास्टिक में आप रख रहे हैं तो प्लास्टिक में ज्यादा दिनों के लिए आप स्टोर ना करें, हम कांच में ही स्टोर करेंगे। तो देखिए कांच का हम बोतल बिल्कुल साफ करके ले लिए हैं, बिल्कुल उसमें कोई नमी नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सही है। तो अब हम इसमें करेंगे क्या कि जितना भी हमारा अचार है और जितना भी रखना चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं, जितना इसमें आटे, उस थोड़ा सा 1-2 इंच खाली रख दें तेल डालने का जगह, और बाकी आप पूरा भर सकते हैं। तो हम अब इसमें रखते हैं अचार अपना, और देख सकते हैं कितना बढ़िया साफ है हमारा जो कांच का बर्नी है। तो निकाल निकाल के अचार को हमें डाल लेना है। तो मैं तो यहाँ पे 2 केजी आम का ही बनाई हूँ, आप चाहें तो 2 बार में या एक ही बार में 5 केजी आम को बना के रख सकते हैं। तो इस जो ये बोयाम जो है, जो जार है, इसमें 5 केजी आम का अचार आराम से आ जाएगा, यानी कि ये 5 केजी वाला ही है बर्नी। तो देखिए सबसे पहले हम 5 साल के लिए स्टोर कर रहे हैं, तो उसमें सरसों का तेल हम लेंगे और इसे अच्छा से हम गरम करेंगे। तेल को हमें अच्छा से गरम करना है। इसी तरह से हम 2 केजी आम में 500 ग्राम या 1 केजी भी आप तेल को गरम करके डाल सकते हैं। तो तेल गरम होने के बाद में इसे ठंडा कर लेना है। अगर आप गांव का सरसों का तेल डालते हैं तो उसे गरम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ठंडा हो गया है तेल, उसके बाद हम डाल रहे हैं जार में। आप गर्मा गर्म में ना डालें, नहीं तो आपका जो जार है वो फूट सकता है। तो इस तरह से हम तेल को गर्म कर करके डालते गए हैं, 3 से 4 बार डाली हूँ, और इसमें मैं 500 ग्राम तेल ऐड की हूँ। और अच्छे से हम इसे चारों तरफ मिक्स कर लेंगे कि हमारा जो तेल है बढ़िया से चारों तरफ चला जाए आम के अचार में। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो आम का अचार हमारा बिल्कुल तैयार है 5 साल रखने के लिए। तो आप चाहें तो अचार के ऊपर तक भी तेल डाल सकते हैं और थोड़ा कम भी रख सकते हैं, अपने चॉइस के ऊपर है।
और अचार सही तरीका से रखना है आपको, तो जैसे कि हम लोग इसे सुखा के स्टोर करके रख देते हैं और 2-4-6 महीने तक उसे चेक नहीं करते हैं। लेकिन देखिए अभी तो हम फिलहाल में इसे 3 से 4 दिन इस तरह से सूती कपड़ा से बांध के और धूप में सुखाएंगे कि इसमें कोई मच्छर मक्खी भी ना जाए और हमारा आँच में बढ़िया धूप आए। व्हाइट कपड़ा लेंगे, रंगीन कपड़ा का यूज हम नहीं करेंगे। व्हाइट कपड़ा में धूप बहुत ही अच्छा जाता है और अचार में डायरेक्ट लगता है, तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। तो अब हम इसे सुखा लेते हैं, उसके बाद सुखाने के बाद में ये तैयार हो जाएगा रखने के लिए स्टोर कर। तो अब आती है बारी कि हम अचार का देखभाल कैसे करें कि वो 5 साल के लिए सही रहे। तो देखिए सबसे पहले तो हम सुखाते रहेंगे बीच बीच में, जैसे महीना में 1-2 बार हम जरूर सुखाएंगे अचार को, कोई भी अचार हो। तो देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाते हैं, ये मिर्च का अचार है और इसे हम 2 साल से रखे हैं बरनी में। तो सबसे पहले कम तेल में देख सकते हैं कितना बढ़िया है और बिल्कुल खराब नहीं हुआ है, और अच्छा से हम इसे महीना में 1 बार धूप दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जब हम अचार निकालने जाते हैं तो जो चम्मच है बिल्कुल साफ होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी मेन बात है। तो एक पीस हम आपको निकाल के दिखाते हैं, मिर्च का अचार है ये, हमारा पिछले साल का डला हुआ है, आप इसका वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हम खाने के लिए डायरेक्ट जो बर्नी में हमें स्टोर किए हैं उसमें से आप ना निकालें, एक अलग डब्बे में रख के किचन में रखें, उसमें से डेली निकालें, डेली खाएं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका जो अचार है सालों साल चलेगा, खराब नहीं होगा। तो देख सकते हैं आम के साथ भी हम ऐसी करेंगे, आम को अभी तो फिलहाल हम 3 दिन तक सुखाएंगे कपड़े से बांध के, उसके बाद हम स्टोर करने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम महीना में 1 बार जरूर इसे सुखाएंगे। तो शायद आप सभी को, जो भी हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि आम का अचार कैसे बनाते हैं और ज्यादा दिन तक स्टोर कैसे करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दें, साथ के साथ हमारे चैनल रोजाना खाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। इस वीडियो को आप भोजपुरी में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसके लिए आपको रोजाना खाना भोजपुरी पे जाके देखना पड़ेगा। तो आप जरूर उस वीडियो को भी देखें भोजपुरी में भी, और कैसा लगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो हम और क्या क्या रेसिपी लेकर आए आप सब जरूर हमें बताते रहें। तो हम मिलते हैं एक नई रेसिपी में, जब तक के लिए खाते रहें और मुस्कुराते रहें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।